प्यारे विद्यार्थियों, हम फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में अंतर जो है यहाँ पे स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंज के पॉइंट की। इन अ फिजिकल चेंज ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी सच एज कलर, फिजिकल स्टेट, वॉल्यूम आर चेंज, केमिकल प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज। तो फिजिकल चेंज में यानी कि भौतिक परिवर्तन में केवल और केवल फिजिकल जो है वही चेंज होंगे प्रॉपर्टी, जैसे कि कलर चेंज हो जाएगा, है ना, फिजिकल स्टेट या फिर वॉल्यूम बदल जाएगा। केमिकल प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी, उसका जो केमिकल नेचर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो सेम रहेगा, ठीक है। केमिकल चेंज में क्या है, इन अ केमिकल चेंज द केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस आर चेंज, यानी कि केमिकल कंपोजिशन का यहाँ पे चेंज होने को मिलेगा आपको, ठीक है। फिजिकल चेंज में नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, लेकिन यहाँ पर वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, यानी केमिकल चेंज में नए सब्सटेंस बनेंगे, फिजिकल चेंज में नए सब्सटेंस नहीं बनेंगे। द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस कैन बी ऑब्टेनड इजीली बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यहाँ पर जो ओरिजिनल फॉर्म है सब्सटेंस का कैन बी ऑब्टेन इजीली बाय सिंपल फिजिकल मेथड, ठीक है। द ओरिजिनल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय सिंपल फिजिकल मेथड, तो यहाँ पर जो ओरिजिनल सब्सटेंस है उसे दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते। फिजिकल चेंज इज अ टेम्प्रेरी चेंज, फिजिकल चेंज एक टेम्प्रेरी चेंज होता है, केमिकल चेंज एक परमानेंट चेंज होता है, ठीक है। ओके प्यारे विद्यार्थियों, हम बात करने वाले हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, किस तरह से आयरन में रस्ट लगता है उसके बारे में, ठीक है। चल, द फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन पाउडरी मटेरियल ऑन द सरफेस ऑफ आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। आयरन व्हेन एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर गेट कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ब्राउन पाउडर मटेरियल कॉल्ड रस्ट, यानी कि आयरन के ऊपर एक ब्राउन लेयर जो है डिपॉजिट हो जाता है, इसे हम रस्ट कहते हैं। रस्ट इज मेनली हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, तो रस्ट जो होता है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड होता है, कॉमनली कॉल्ड फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। हम रिएक्शन से इसे गहराई से समझ सकते हैं, जैसे कि आयरन ने ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्शन किया, तो 4Fe+3O2 गैसियस में है, H2O लिक्विड में है। हाइड्रेट आयरन ऑक्साइड रस्ट, रस्ट का फॉर्मूला आप याद कर लें, ट्वाइज Fe2O3H2O, ट्वाइज Fe2O3H2O, ठीक है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ चेंज हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। कंडीशन अंडर विच रस्टिंग टेक प्लेस, आयरन डज नॉट रस्ट इन ड्रायर, आयरन डज नॉट रस्ट इन ऑक्सीजन फ्री प्योर वाटर, आयरन नीड बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर फॉर रस्टिंग। द डेमोन्स्ट्रेट दिस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, मटेरियल रिक्वायर क्या है, बॉयलिंग ट्यूब्स, नेल्स, कॉटन, डिस्टिल्ड वाटर। प्रोसीजर एक बार पूरा तैयार कर लीजिए, पढ़ लीजिए। टेक 3 क्लीन एंड ड्राई बॉयलिंग ट्यूब, लेबल ABC ट्यूब ए, प्लेस अ फ्यू लंप ऑफ एनी हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड एंड कवर इट विद कॉटन, प्लेस अ क्लीन आयरन नेल्स ओवर द कॉटन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द ट्यूब विद अ कॉर्क, प्लेस अ क्लीन नेल इन टेस्ट ट्यूब बी, यहाँ पे हम क्लीन नेल डाल रहे हैं। विद बॉयलिंग डिस्टिल्ड वाटर इज बॉयल्ड टू रिमूव द डिजॉल्विंग ऑक्सीजन फ्रॉम इट, यहाँ से ऑक्सीजन बाहर निकाल दी गई है। कवर द वाटर सरफेस विद मोल्टन बैग्स, पिघले हुए बैग से इसे कवर भी किया गया है। एंड क्लोज द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद अ कॉर्क, प्लेस अ क्लीन आयरन नेल्स इन टेस्ट ट्यूब सी एंड कवर इट पार्शियली विद टैप वाटर। एग्जामिन करना है 3-4 दिन के बाद। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, यू विल फाइंड दैट ओनली द नेल इन द सी गेट रस्ट, यानी जो सी वाला जो है वही रस्ट हुआ है ना स्टूडेंट, ठीक है। कंक्लूजन भी यही निकल के आया है कि टेस्ट ट्यूब ए कंटेन ओनली ड्रायर, बी कंटेन वाटर बट नो एयर ऑक्सीजन, कंटेन सी कंटेन बोथ मॉइस्चर वाटर ऑक्सीजन, इसीलिए सी वाला जो है आयरन नेल कैसा हो गया, रस्ट हो गया है, ठीक है।
प्रेजेंस ऑफ एसिडिक गैस सच एज ऑक्साइड ऑफ सल्फर नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड एंड एयर इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग, यानी कि अगर प्रेजेंस है एसिडिक गैसेस की, ऑक्साइड ऑफ सल्फर की, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की इन एयर्स में, तो ये क्या कर देते हैं, रस्टिंग के रेट को बढ़ा देते हैं। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ साल्ट इन वाटर आल्सो इंक्रीज द रेट ऑफ रस्टिंग, देयर इज वाई सिप कूलर बॉडी सो रैपिडली रस्टिंग। साल्ट की प्रेजेंस अगर वाटर में है तो वो भी रस्टिंग के रेट को बढ़ा देता है, तभी जो सिप होते हैं कूलर बॉडी जो होते हैं सो रैपिडली रस्टिंग, बहुत जल्दी रेस्ट पकड़ते हैं, सिप की सिप भी और कूलर का जो तली होता है वो भी बहुत जल्दी रेस्ट पकड़ता है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, क्या प्रिवेंशन है, रोकथाम क्या है, डैमेज ड्यू टू रस्टिंग ऑफ आयरन कॉसेस हैवी लॉस टू द नेशनल इकोनॉमी, देयरफॉर रस्टिंग शुड बी प्रिवेंटेड, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय द नॉट अलाउिंग मोस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ द आर्टिकल्स मेड ऑफ आयरन, सम कॉमनली यूज मैथड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग आर डिस्क्राइब बिलो, बाई अप्लाइंग पेंट और ग्रीस ऑयल, अ कोटिंग ऑफ पेंट और ग्रीस ऑयल ऑन द सरफेस ऑफ अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट प्रिवेंट्स इट कॉरोजन बाई नॉट अलाउिंग मॉइस्ट एयर टू कम इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस। तो सबसे पहले कैसे प्रिवेंट करेंगे, हम ग्रीस और ऑयल लगा के कोटिंग कर देंगे, पेंट लगा देंगे, है ना, ये सब कर देंगे, तो ये कॉरोजन नहीं होगा। दूसरा है बाई गैल्वनाइजेशन, कोटिंग ऑफ एन आयरन लेयर विद थिन लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वनाइजेशन, आयरन की लेयर पर अगर आप जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं तो यहाँ पे भी इस प्रोसेस को हम गैल्वनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, गैल्वनाइजेशन इज द आयरन प्रिवेंट इज रस्टिंग, गैल्वनाइजेशन से आयरन की रस्टिंग रुक जाती है। गैल्वनाइज्ड आयरन सीड आर यूज फॉर रूफिंग, और इस सीट का यूज जो है रूफिंग के रूप में किया जाता है, एंड फॉर मेकिंग बकेट ड्रम वगैरह इसके बनाए जाते हैं। बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल्स, कोरोजन ऑफ मेटल्स कैन बी प्रिवेंटेड बाई इलेक्ट्रोप्लेटिंग एनी कोरोजन रेसिस्टेंस मेटल सच एज निकल क्रोमियम ऑन देम, क्रोमियम और निकल कोटिंग प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ ऑटो पार्ट्स बाथरूम फिटिंग्स टैप सोवर, तो इन सब में क्या होती है, इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है। ठीक है, बाई टिनिंग, टिन इज अ कोरोजन रेसिस्टेंस एंड नॉन टॉक्सिक मेटल्स, देयरफॉर टिन इज यूज फॉर मेकिंग कंटेनर्स और यूटेंसिल्स ऑफ आयरन ब्रास एंड कॉपर, सेफ द स्टोरिंग फूड स्टफ, फॉर एग्जाम्पल ब्रास यूटेंसिल यूज फॉर कुकिंग और स्टेरिंग फूड आर टैनेड फ्रॉम इनसाइड, द कैंस यूज फॉर पैकेजिंग घी ऑयल्स मिल्क पाउडर आर ऑल्सो मेड फ्रॉम टिन। जितनी भी ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जैसे कि पैकेजिंग घी वगैरह का, ये किस में करते हैं, टिन में करते हैं। बाई एलोइंग, सर्टेन मेटल कैन बी मेड कोरोजन रेसिस्टेंस व्हेन एलोइंग एलोइड विद एनी मेटल, फॉर एग्जांपल स्टेनलेस स्टील विद कोरोजन रेसिस्टेंस इज मेड बाई एलोइंग आयरन विद निकल एंड क्रोमियम, तो आयरन पे किसकी एलोइंग हुई है, निकल और क्रोमियम की। बाई कैथोड प्रॉपर्टी, प्रिवेंटिंग द कोरोजन्स ऑफ मेटल बाई कनेक्टिंग इट टू मोर रिएक्टिव मेटल इज कॉल्ड कैथोडिक प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। तो यहाँ पे क्या है, प्रिवेंट ऑफ कोरोजन, यहाँ पे कोरोजन को रोकने के लिए मेटल बाई कनेक्टिंग इट टू मोर रिएक्टिव मेटल, तो इसकी रिएक्शन हम मोर रिएक्टिव मेटल से करा देते हैं।
फॉर एग्जाम्पल वेन आयरन इज कनेक्टेड टू अ पीस ऑफ मैग्नीशियम इट डज नॉट गेट कोरोड एज लॉन्ग एज मैग्नीशियम इज प्रजेंट है ना स्टूडेंट। चलो